और इधर मणिपुर पहुंचे राहुल गांधी ने काफिला रोके जाने के बाद राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी पर ही निशाना साध दिया और उनके मणिपुर पहुंचने को पब्लिसिटी का एक जरिया बता दिया। पॉलिटिकल फायदा निकालने का हमें कोशिश नहीं करना चाहिए। हेमंत बिस्व शर्मा ने साफ कह दिया कि वहां हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में वहां किसी का भी जबरदस्ती जाना ठीक नहीं है। असल में राहुल गांधी मणिपुर के चुराचांदपुरा जा रहे थे जहां हिंसा हुई, लेकिन उनके काफिले को रोक दिया गया। मणिपुर पहुंचे राहुल गांधी का काफिला पुलिस ने रोक दिया। मणिपुर पहुंचे राहुल गांधी सड़क के रास्ते चुराचांदपुर जा रहे थे। मणिपुर का ये वही इलाका है जहां जबरदस्त हिंसा हुई। एयरपोर्ट से निकलकर राहुल गांधी वहीं जाने के लिए निकले, लेकिन जिस रास्ते से वो गए वहां जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। लोगों की बेकाबू भीड़ बैरिकेड गिराने लगी। प्रदर्शनकारी पुलिस से उलझ गए, जिसके बाद भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसी बवाल के बीच राहुल गांधी के काफिले को पुलिस ने विष्णुपुर में रोक दिया। वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने राहुल से लौटने का भी इशारा किया। इस बीच पुलिस ने राहुल के काफिले को एयरपोर्ट लौटा दिया, जिसके बाद राहुल की मणिपुर यात्रा का कार्यक्रम बदलने पर संग्राम छिड़ गया, क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल को चुराचांदपुर हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन वो सड़क के रास्ते वहां जाने के लिए रवाना हुए। यही नहीं, बीजेपी ने दावा किया कि मणिपुर प्रशासन ने राहुल को पहले ही वहां के हालात के बारे में बता दिया था, और ये बात जानने के बावजूद वो चुराचांदपुर हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि गाड़ी से गए। राहुल के दौरे से पहले कुछ तस्वीरें आईं जिनमें कुछ लोग राहुल गो बैक के पोस्टर लेकर खड़े दिखे। बीजेपी ने दावा किया कि मणिपुर प्रशासन ने पहले ही इस बारे में उन्हें बता दिया था, लेकिन राहुल ने अपनी जिद की वजह से अपना कार्यक्रम बदल दिया। कि राहुल गांधी जिस जिद के साथ मणिपुर गए हैं वो जिद उचित नहीं है। मणिपुर प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें रोका, क्योंकि उन्हें हेलीकॉप्टर से चुराचांदपुर जाने की इजाजत मिली थी। लेकिन मणिपुर में राहुल का काफिला रोके जाने पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि कांग्रेस ने दावा किया कि राहुल ने प्रशासन की इजाजत के बाद सड़क से चुराचांदपुर जाने का फैसला किया। यही नहीं, कांग्रेस ने यह तक दावा किया कि विष्णुपुर में लोग राहुल का विरोध करने नहीं बल्कि उनका समर्थन करने इकट्ठा हुए थे, लेकिन पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, क्योंकि मणिपुर प्रशासन की नीयत बदल गई। कांग्रेस ने दावा किया कि राहुल को सड़क के रास्ते जाने की इजाजत दी गई थी। पहले इसी प्रशासन ने कहा आप बाय रोड जा सकते हैं। मणिपुर में पिछले कई महीनों से हिंसा हो रही है, यही वजह रही कि राहुल गांधी को रात में ही बता दिया गया कि वो सड़क के रास्ते न जाएं। बीजेपी ने इसी बात का जिक्र करते हुए राहुल गांधी को घेरा, लेकिन कांग्रेस ने राहुल के सड़क से जाने के फैसले को सही ठहराया। उधर मुंबई में क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ 15 फरवरी को ही मारपीट की घटना का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया, जिसमें कुछ लोग एक क्लब में उनके साथ धक्का मुक्की करते नजर आए। आरोप है कि जब पृथ्वी शॉ अपने कुछ दोस्तों के साथ विले पार्ले इलाके के उस क्लब में डिनर करने पहुंचे थे, तब उन लोगों ने उनके साथ जबरन सेल्फी लेने की कोशिश की थी। और आरोप है कि पृथ्वी के मना करने से भड़के उन लोगों ने उनके साथ मारपीट भी की थी, जिसके करीब 4 महीने बाद उस क्लब से सामने आए वीडियो में भी ठीक यही होता दिखाई दिया। उस वीडियो में पृथ्वी शॉ के साथ एक लड़का सेल्फी लेने की कोशिश करता दिखा, तभी उन्होंने उस लड़के का हाथ तेजी से झटक दिया और उसे सेल्फी लेने से मना कर दिया। इसके बाद पृथ्वी शॉ का एक दोस्त वहां आता नजर आया, जिसने उस लड़के को वहां से जाने के लिए कहा, जिससे मामला बिगड़ गया और दोनों तरफ से धक्का मुक्की शुरू हो गई। आरोप है कि इसी के बाद उन लोगों ने पृथ्वी शॉ की कार को निशाने पर ले लिया था।